गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ। आज हमारी वेकेशंस का है 5th डे, तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और वहाँ से फिर सीधा जाएंगे हम बीच में। सो गाइज, हम जो अपने रूम के एरिया वगैरह के पास होते हैं तभी मास्क नहीं लगाते, या बीच में या पूल पे होते हैं मास्क नहीं लगाते। जब हम किसी कॉमन क्लोज एरिया में होते हैं तो हम मास्क ज़रूर यूज़ करते हैं। कंटिन्यू करते हैं आज के दिन को। जो जो भी मैं करती जाऊँगी, जितना भी मुझसे हो पाएगा, मैं आपके लोगों के साथ शूट करती जाऊँगी और शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तक की जितनी भी वेकेशन है मैंने ट्राई की हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने शूट नहीं किए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम वेकेशन पे आते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फ़ोन थोड़ा साइड पे छोड़ देते हैं। पर कुछ चीज़ें मैंने काफ़ी मतलब बनाई हैं, तो उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप आप लोगों को मेरी ये ट्रिप अच्छी लग रही है। तो सो वी आर रेडी फॉर द बीच। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, तो बस हम आफ्टर 10 मिनट्स जाएंगे। जो है, जो आपको मैंने बताई थी, अपडेट दी थी कि हर 15-20 मिनट के बाद जो है वो उनकी एक जो बस होती है रिसोर्ट वालों की, वो बीच पे लेके जाती है। सो फुल ऑन रिलैक्स है कि आपको ड्राइव भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस हम आफ्टर 10 मिनट्स जा रहे हैं। ये देखिए जो है वो बस रेडी है, तो चलिए चलते हैं। ये गाइस बीच में हो रहा है जो मसल रिलैक्समेंट का कोर्स होगा, जो गैग का कोर्स होता है, सेक्शन फिटनेस का। सुबह आज मौसम इतना अच्छा है ना, जैसे जिनको ज्यादा धूप पसंद नहीं है, अच्छी लगती वैसे बीच पर तो धूप, पर जैसे अगर ज्यादा धूप आपको नहीं लेनी है, तो मौसम इतनी अच्छी, हवा चल रही है और थोड़े जो है टाइड्स हैं थोड़े बहुत। सो मेरे बड़े बेटे का ना ये गेम बन गया हुआ है कि आप लिफ्ट से जाओ और मैं स्टेयर से आऊंगा, देखते हैं कौन। सो अभी ना आप देखना, सचमुच में वही पहले पहुंचने वाला है, क्योंकि इसका की गेम है कि मुझे पहले पहुंचना है। गाइस, जो इटालियन स्टाइल होती है प्लेटिंग का सिस्टम, वो ऐसे होता है कि एक साइड पे दो फोक्स रखते हैं और फिर ये एक होता है हैंडकरचीफ, फोक एंड नाइफ, और नाइफ और ये स्वीट के लिए 2 ग्लासेस होते हैं, लाइक एक वाइन के लिए एक वाटर के लिए। गाइस, दिस इज इटालियन रेसिपी। इसमें आप स्पगेटो में देखोगे कि ना होल होता है, लाइक ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो बुकातिनी कहते हैं। सो ये है जी इटालियन स्टाइल गाजरा मटर चिकन। हे गाइस, सो अभी है वाटर जिम टाइम, तो साथ के साथ भी मैं सुबह और शाम ये वाला जो जिम क्लासेस है वो जरूर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, एनर्जेटिक लगता है। गुड इवनिंग।
तो शाम हो गई है, हम रेडी हो गए हैं। आपको मैं पूल की कंडीशन दिखाती हूँ शाम के टाइम जब सभी कोई नहीं होता है इसपे, तो कितना अच्छा साफ सा काम सा आता है इस पे। तो अभी ये बिल्कुल सभी डिनर के लिए ये नीचे जा चुके हैं और यहाँ पे पीछे तैयारी हो रही है वहाँ पे जो बेबी डांस की। तो बहुत अच्छा मौसम है आज। एक्चुअली आप मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ से थोड़े थोड़े से फूले हुए से लग रहे हैं, क्योंकि जब हम पूल और बीच करते हैं ना जाते हैं, तो मैं एवरी डे वॉश नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट टू लास्ट है मुझे याद है मैंने 7 के 7 डे हेयर वॉश किए थे तो बिल्कुल डेड ख़त्म हो गए थे बाल मेरे। तो मैं अल्टरनेट कर रही हूँ, आज एक दिन हाँ और एक दिन ना, तो जिस वजह से थोड़े बेटर हैं, मरेंगे नहीं जिंदा रहेंगे। तो अभी देखिए आप और हम क्या खाएंगे डिनर में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसे कि मैं करती रही हूँ अभी 1, 2, 3, 4, 5 डे के लिए, तो बाकी पीछे 2 डेज़ रह गए हैं। लाइक आज है वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे रह गया है, सैटरडे को हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए मेरा सुपर हीरो भी रेडी है, छोटा ही सुपर हीरो, और इन छोटे दो हीरो का जो हीरो है उनके पापा वो नीचे गए हैं अभी। तो मैंने कहा कि मैं चलो इसके छोटे के साथ बड़े के साथ हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को पूल का दिखाती हूँ कितना शांत सा। तो देखते रहिए वीडियो को, होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको अभी नहीं हूँ नहीं नाना इस टाइम नहीं नाना पुती। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मेरे डे जो है 6 डे पे। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को, कमेंट्स में बताइएगा भी ज़रूर मेरी हॉलीडेज़ आपको कैसी लगी, और हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Basta così, mi sta piacendo, finisci la nidi, vai! Vabbè, dopo di questo pezzo, va bene.